एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मीटिंग यू आफ्टर 84 इयर्स। हम अभी हैं अहमदाबाद में, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, और अहमदाबाद में रहते हैं तो घर पे तो टिकते नहीं हैं हम लोग, तो हम निकल पड़े हैं अभी। सवारी यहाँ पे मम्मी, जेनू और मैं अभी जा रहे हैं पहले लाल दरवाजा, उधर थोड़ा काम है, वो शॉपिंग ऑब्वियसली हर बार लाल दरवाजा तो मैंडेटरी। हेलो अहमदाबाद, मोजे मोज रोजे रोज। शाम हो गई है फिर भी भीड़ तो उतनी ही है, यहाँ पे भीड़ कभी कम ही नहीं होती है। हमको मेहंदी वेहंदी वगैरह सब लेना था तो वो ले लिया। रमजान चल रहा है और रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, तो बहुत सब जल्दी जल्दी में है, जो भी लेना है वो फटाफट फटाफट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम तीन दरवाजा लाल दरवाजे से निकल कर अभी आ गए हैं हम काकरिया पे। यहाँ पे गेट नंबर 4 है पीछे, उधर हमने अपनी गाड़ी मत यानी कि बाइक पार्क कर दी है। इंडिया में उसको गाड़ी बोलते हैं, वो कार का दर्जा दिया गया है उसको, वो तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी अंदर और यहाँ पे 30 रुपये पार्किंग की, फोर व्हीलर का नहीं मालूम, 2 व्हीलर का 30 रुपीज़ है। बराबर। और ये तनीषा, मैंने खोला गाड़ी में बेच बुझाओ फाइनली तनीषा की हुई जीत और वो बैठ गई। इसमें हम भी बैठते थे, बहुत मजा आती थी, हम भी ऐसे ही माँ बाप को तंग करते थे जैसे तनीषा कर रही है। सिस्टम है यहाँ पे, और ये 12 साल के ऊपर के लोगों का 10 रुपये है और बच्चों का 5 रुपये है, 4 से 12 की उम्र के। यहाँ से हम गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहे हैं और इसने ऑलरेडी तूफान आदर दिया है। आलो आलो अंदर जाऊ ने, अटला बता जी ने भूम भूम छे। काकरिया लेक का फ्रंट लोकेशन मैप है और इसमें सारी चीज़ ऐसे नोट की हुई है, जैसे बटरफ्लाई पार्क है, एक्वेरियम है, किड सिटी है, अम्यूजमेंट पार्क, इतना सारा बहुत सारा है। ये है पूरा काकरिया लेक, बहुत बड़ा इसका सर्कमफ्रेंस है, पूरा तो नहीं घूम सकते हैं ऐसे चल चल के, थक जाएंगे फिर। देखते हैं कुछ अगर ट्रेन वेन का हो तो करेंगे। इसी भी हम लोग ट्रेन में बैठने के लिए ट्रेन तक चल रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा चलना हो रहा है इधर। और ऐसा नो, ये अपने में ही है हमारे साथ, फैबा है, हाय फॉय, फिर उधर मॉम है और अंकल है, और जेनू तो थी हमारे साथ, वो हम उसको इधर आते तो अगवा कर लेते, वो कहीं नहीं जाती। सो लेट्स गो वॉक टिल द ट्रेन। साथ में मेरा थोड़ा सा सुझाव है कि ट्रेन तक जाने के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए, तो अगर कोई भी देख रहा है तो एक नम्र विनंती है, प्लीज़ थैंक्स। अभी हम चलते चलते हॉरर हाउस में आ गए हैं, तो इसमें तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम खुद हॉरर जैसे भी है और इतने भूत पाल रखे हैं घर में, लेकिन इधर से भयंकर भूत अंदर है। गजब गजब मम्मी गजब बेइज्जती है, पर चलो कोई बात नहीं, चलते आगे। चलते चलते 84 इयर्स हो गए लेकिन अभी टिकट बारी नहीं आ रही है ट्रेन की। ये ट्रेन का मेन स्टेशन है, वो हम आई थिंक साल से चल रहे हैं बट अभी तक नहीं आया। ऐसे घूम ले, आधा बाकी रह गया। वही, ये पूरा सर्कल करने के लिए हमने ट्रेन में बैठना था बट वो करने के लिए आधा तो ऑलरेडी हमने चल लिया है, और वापस चलेंगे तो दूसरा आधा हो जाएगा। तो अरे ये पूरा जो काकरिया का पूरा जो दिख रहा है ना, हाँ। उधर 7 गेट है, जैसे हमने गेट 4 पे पार्किंग किया ना, अभी तू सोच ले पूरे 7 आपको घूमने। नहीं नहीं, तो वो ट्रेन की वो आ ही गई है, चलो 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 फिर बैठ जाते हैं। फाइनली ट्रेन का स्टेशन आ गया है, यहाँ पे टिकट प्राइसेस है 30 रुपीज पर अडल्ट अबाउट 12 इयर्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स फॉर 12 रुपीज। ये प्रॉपर स्टेशन बनाया हुआ है इन लोगों ने,
और साथ में वेटिंग भी इतनी है, बट कोई बात नहीं, ट्रेन थोड़ी आज लेट चल रही है वैसा समझ लेंगे हम लोग, है ना मम्मी? Yes. हम अभी लाइन में खड़ चुके हैं और यहाँ पे एक चीज नोटिस की है कि खास कैश लेके आना है ना, यहाँ पे जीपे वगैरह वो सब नहीं चलेगा, पूरा पेमेंट जो है वो कैश ही होगा, तो उस हिसाब से पार्किंग में भी कैश ही उन्होंने लिया था और ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया था, तो ऐसा चल रहा है। ट्रेन आ गई है हमारी, अभी हम बैठेंगे इसमें, बैठ गए हैं सब यहाँ पे और सेकंड लास्ट सीट पे हम बैठे हैं ताकि सब दिखे हमको, और ये देखिए पूरा व्यू ब्यूटीफुल। मैं भी हूँ साथ में और ये पूरी ट्रेन जो ऐसे चक्कर लगाती है ना, तो उसमें टोटल 13-14 मिनट्स लगते हैं, तो मजे करेंगे अभी। फाइनली ट्रेन शुरू हो गई है और हम पूरा नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे मम्मी है, भाई है, हेलो, और जेनू बहन, तनु बहन और अंकल है, अंकल तमने आम बेसाड़ू चलो। सामने है वो कमला नेहरू पार्क है, बच्चों को खेलने की सुविधा भी है, यहाँ खाना लेके भी आ सकते हैं, और ये राइड आ गई जो कृष्णा की फेवरेट है। आम्रपाली फन लैंड जाएगी, हम टनल वाला फीलिंग लेंगे इसमें से। अभी आगे जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए और फिर जाएंगे घर।
दो सवारी रेडी है, जैसे वो नहीं रेस में जाना हो ऐसे तैयार हुए हुए दोनों। हाँ और यहाँ पे ये तो बुका नहीं दे रही है, डर लग रहा है भैया। हम आ गए रायपुर भजिया हाउस, यहाँ पे भजिया बन रहा है एकदम मिक्स भजिया, नायलॉन खमण पात्रा सब मिलता है। और ये पूरे एरिया में बहुत सारा स्ट्रीट फूड है, तो अभी वो खाएंगे। यहाँ पे देखिए जबरदस्त चोड़ा फोड़ी बन रही है, ऐसा सब है। गर्मा गर्म भजिया आ गया है। और अंकल इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये लोग इसके साथ ना चटनी देंगे ना मिर्ची देंगे, कुछ नहीं देंगे, फिर भी लोग इतने आते हैं, इतने फेमस। इसके साथ कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा खा सकते हो। ओके चलिए तो फिर इधर पे ही ना, ये देखो मिक्स भजिया, नायलॉन खमण और पात्रा भी मिलता है। हाँ ये तीन ही आइटम बस। हाँ तीन ही आइटम, लेकिन लोग ज्यादातर मिक्स भजिया के बहुत दीवाने हैं। वाह वाह, चलो तो फिर चखते हैं। हम भी दीवाने हो जाते हैं। ये वाह केवल आई गुताने मत जी जोता छे। हमने ब्रेड पकोड़ा मैंने मंगवाया, बोला कि एक प्लेट ब्रेड पकोड़ा दे दो, तो उसने ये दिया मुझे। तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। चोला फोड़ी अभी ये खाएंगे दोस्तों। ब्रेड पकोड़ा हमने खाया, वो ब्रेड पकोड़ा क्या था वो मुझे ना मुझे समझ आया, ना मम्मी को समझ आया, ना किसी के पल्ले नहीं पड़ा वो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फूड वेस्ट नहीं करते, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है, बट ये गले से नहीं उतर रहा था वैसा वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली हमने फिर वो रहने दिया कि भाई अब नहीं हो सकता। यहाँ रायपुर पे ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, एकदम बाजू में ही जहाँ पे हम भजिया खा रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना माता जी का दर्शन किया जाए। जय अन्नपूर्णा माता जी, मस्त दर्शन हो गए हैं माता जी के। और ये स्वयंभू अन्नपूर्णा माता जी है, रायपुर में आया हुआ है ये मंदिर। जय माता जी। यहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी का प्रगति स्थान है, वो यहीं पे स्वयंभू प्रकट हुए थे। जय माता जी। और फिर वहाँ पे सामने उसकी मूर्ति वगैरह स्थापित किए हैं। तो खाना खाने के बाद अभी हम आ गए श्रीजी लस्सी कॉर्नर पे, मस्त श्रीनाथ जी का फोटो है और ये दुकान है, और यहाँ पे हमने लिए मलाई लस्सी। अभी ये चखते हैं, दिख तो बढ़िया रही है। वाह ये हमारे नए हैंड मॉडल आ गए अंकल। तो अभी आ गई है केसरिया लस्सी, क्योंकि ये वाली जो थी वो बहुत बढ़िया थी, अमेजिंग, तो हमने एक और ले लिया। चलिए ये हमारे बाल हनुमान तनीषा जो तनीषा ए तनीषा हिम्ना कर हमरा धोई दम फोटो धोई दम अजी तने भाई वो तने भाई वो केवो छे यम्मी यम्मी छे। सॉरी वी आर बिजी राइट नाउ, करंट चेक कर दी जो हाथ रखो मैं पूरे दिया।